अभी हम हैं मोराबादी रांची में, और जो यहाँ पिक्चर टाइम का सेटअप आप देख रहे हैं, ये पोर्टेबल पिक्चर टाइम रांची में पहली बार आया हुआ है, और इसे ऑल झारखंड आर्टिस्ट एंड कल्चर एसोसिएशन ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया। और हम चलते हैं मिस्टर राजेश भैया के पास और उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको ये पोर्टेबल सिनेमा हॉल जो मल्टीप्लेक्स है। ये तो मैंने पिक्चरों में ही देखा था ऐसी, और आज मुझे साक्षात देखने को मिला है। बचपन में हम लोग देखा करते थे, कभी ओकेजनली कहीं वो पर्दा लगा के दिखाया जाता था जो कि हम लोग जमीन में बैठ के देखते थे। आज ये एकदम मल्टीप्लेक्स की तरह दिख रहा है, और लगता ही नहीं है कि इसके अंदर में कि हम लोग ये एक आर्टिफिशियल है, लग रहा है सचमुच का एक हम मल्टीप्लेक्स में मूवी देख रहे हैं। बहुत अच्छा। ये झारखंड के सज्जन के पास आप अपना परिचय दे, आप कहाँ से आए? कुमार, मेंबर JSECW एंड कोर मेंबर ऑफ AGSEW ऑल झारखंड आर्टिस्ट एंड कल्चर एसोसिएशन। इट हैज बीन वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी हियर इन द प्राइम टाइम शो वीडियो शो, राइट? एंड द शो विच इज रियली कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, अमेजिंग, आई कैन से अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। आपको कैसा लगा मैम यहाँ पे आके मूवी देखने में? अच्छा लगा, अच्छा प्रयास। आपको लग रहा था कि ये पोर्टेबल है या फिर मल्टीप्लेक्स, कैसा लग रहा था? नहीं, मल्टीप्लेक्स जैसा ही लग रहा था, मल्टीप्लेक्स से ज्यादा अच्छा। अब हम लोग चलते हैं डब्बू अरशद सर के पास, और अरशद सर से पूछेंगे हम लोग कि इन्होंने आनंद उठाया मूवी का, उन्हें कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और वो जो फीलिंग आती है मल्टीप्लेक्स वाली, वो सेम यहाँ मिल रही है। पूरी फीलिंग आ रही थी आपको मल्टीप्लेक्स? फीलिंग आ रही थी। साउंड इफेक्ट जो है, जो मल्टीप्लेक्स में जो साउंड इफेक्ट होता है, वो पूरी फीलिंग आई है। मतलब इट वॉज इट्स रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट। बब्बू सर आप बताएं थोड़ा। बब्बू नाम भी नहीं जान रहा है हमारे। बब्बू, बब्बू सर, बब्बू भैया, बब्बू डॉक्टर प्रणव कुमार सर, चीफ पेट्रोन। इधर घूमे इधर चलो, हम निकलते हैं। डॉक्टर सर, संतोष दीपक सर, मैंने इनसे टाइम टाइम का अनुभव तो आई टेल यू कि इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैं बोलूंगा कि झारखंड के लिए एसोसिएशन ने जो आयोजन किया, बिल्कुल। और ये मैं बोलूंगा कि ऑल झारखंड आर्टिस्ट एंड कल्चर एसोसिएशन AJACA जो हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी जो झारखंड के लिए प्रयासरत हो गया है आपको फिल्म को और आर्टिस्ट को और कल्चर को, और नॉट ओनली फिल्म से रिलेटेड सारे एवेन्यूज को डेवलप करने में, और इवन मतलब आप समझो कि एक कॉमन नागरिक को फिल्म के साथ जोड़ने में, उनके टैलेंट को उभारने में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती आज के दिन में। और ये उसी कल्पना का एक प्रारूप है, छोटा सा प्रारूप हम लोग देख रहे हैं कि आज AGSEA ने इस चीज़ को साकार कर दिया प्राइम टाइम को। प्राइम टाइम, थैंक यू सो मच सर। अंदर प्यारी जी आज हमारे साथ, प्राइम टाइम के बारे में आपका क्या सुनना और क्या कहना है? मैं और झारखंड आर्टिस्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के स्टेब्लिशमेंट का आज 9-10 साल होने वाला है, और इस बीच आस्ते आस्ते हम लोग ऊपर की ओर आज मना हमारा एसोसिएशन का पूरे स्टेट में नाम सम्मान कमा रहा है। थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच में फुटबॉल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, तो चाहते हैं कि और जब ऐसा मौका लगे तो और देखने का अवसर मिलेगा तो हम लोग देखने आएंगे। लगता है कि रांची भी क्या, झारखंड में भी ऐसा कहीं पर किया हुआ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आप बताएं बाबू कैसा लगा मूवी देखा आपने? कैसा लगा आप? लग रहा था ना कि थिएटर में देख रहे हैं? जो थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं और यहाँ कैसा लगा? ये अच्छा लगा कि थिएटर अच्छा लगा? ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। वाह, थैंक यू सो मच। एक जरूरी काम है आपसे, थोड़ा नाजुक बताइए। आपके पास राव साहब इसकी चीज लिखते थे, आप खड़ी मकान में थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर हैदराबाद में करना दिल्ली में कुछ तकलीफ है।